50 की हो गई है तो हमें अपनी सेहत का ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी उम्र अब ढलती जा रही है और ढलती उम्र में बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, फुर्तीला रखने के लिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल उषा तनेजा उत्सव पर। आज जो मैं इस चैनल पर वीडियो लेके आई हूँ वो है हेल्थ से संबंधित। और अच्छी हेल्थ के लिए आप सब जानते ही हैं कि सलाद खाना बहुत ज़रूरी है। सलाद, ये इतना सारा सलाद जो हम प्लेट भर के खा लिया करते हैं अपने यंग एज में, उम्र ढलते ढलते वो पूरा सलाद या तो खाया नहीं जाता या फिर उसको पचाना मुश्किल होता है। तो उस सारे सलाद को इकट्ठा करके उसकी स्मूदी बनाकर उसको डेकोरेट करके और उसमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स मिलाकर अगर उसको पिया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही पोषक तत्व हमें मिलते हैं और हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने की रेसिपी और रहते हैं स्वस्थ, तंदुरुस्त, खुश। इसे बनाने के लिए आप सबसे पहले तैयारी कर रहे हैं 2 केले और 1 कीवी को आप चॉप करके कंटेनर में डाल लें और उसके साथ ही आप एक एलोवेरा लीफ, फ्रेश एलोवेरा लीफ ले लें। ये ऑप्शनल है, आप लें या ना लें या कुछ और भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। और इसका पल्प निकाल कर आप ये तीनों चीज़ें एक कंटेनर में डाल के ढक के फ्रीज़र में रख दें 1/2 घंटे के लिए। और उसके बाद आप 1 चम्मच चिया सीड्स ले लें और उसमें डालें आप पानी, 1, 2, 3 और 4 चम्मच पानी डाल के इसे आप ढक कर रख दें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए ये फूल जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। और अब आप ले लीजिए। तो यहाँ ये है एक बहुत बड़ी प्लेट जो एक एक टाइम में खा लेनी चाहिए। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी पड़ी हैं इसको आप किसी को रिप्लेस भी कर सकते हैं, कोई एक चीज़ नहीं है तो दूसरी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बड़ी प्लेट सलाद जितना आपको खाना चाहिए उतना आप ले लीजिए और उसे चॉप कर लें बारीक, ज़्यादा बारीक नहीं, ठीक ठीक होना चाहिए। और उसके साथ आप ले लें 1 करी पत्ता का स्टेम। फिर आप मिक्सर जार लेके, बड़े वाला जार लेके उसमें डालें थोड़ा सा दूध और उसके बाद ये चॉप की हुई जो भी सारी सैलेड के वेजिटेबल्स हैं उनको एक एक करके बीच में डाल दें और कड़ी पत्ता के पत्ते निकाल कर वो भी उस जार में डाल दें। इसमें आप जो है खीरा डालें, धनिया डालें, पुदीना डालें और भी जो कुछ भी आप ग्रीन चीज़ डालना चाहते हैं, आप इसमें पालक भी डाल सकते हैं, वो सारी एक एक करके इसमें डाल दें। अब इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर उसको छील लें और बारीक टुकड़ों में काट लें और चाहे तो इसका जूस निकाल कर भी डाल सकते हैं क्योंकि इसके पीस अच्छी तरह पीसते नहीं है, रह जाते हैं। उसके बाद 1/2 नींबू ले लें और उसका रस निचोड़ कर भी इसमें डाल सकते हैं आप, क्योंकि उसमें टेस्ट एनहेंस हो जाता है। फिर आप मिक्सर चलाएं और मिक्सर जो चलाएं वो थोड़ी देर रुक रुक कर बीच बीच में चलाएं, क्योंकि ज़्यादा चलाएंगे एकदम से लंबा टाइम और वो गर्म हो जाएगा। हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसकी तासीर ठंडी ही रहनी चाहिए, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक कर बीच में चलाएं और ज़्यादा देर चलाना पड़ेगा ताकि सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए, बीच में कुछ पीसीज ना रहें। अब उसमें जो फ्रीज़र में रखा हुआ था हमने फ्रूट वो निकाल लें और इसको डाल दें इसमें। इसमें हम आइस क्यूब नहीं डाल रहे इसीलिए हमने इसको जमा के ही डाला है। और फिर इसमें चिया सीड्स जो भीगे पड़े थे वो डाल दें और यहाँ थोड़ी सी किशमिश में डाल रही हूँ, आप चाहें तो डालें, अगर नहीं चाहें तो इसको रहने दें। उसके बाद ये है कोकोनट शुगर। कोकोनट शुगर सिर्फ स्वीटनर के लिए है, आप चाहें तो कोई और शुगर डाल सकते हैं, खजूर डाल सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर का, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो प्रोटीन पाउडर लेता है तो मैं उसको स्मूदी में मिला के दे रही हूँ। आप कोई और शुगर भी डाल सकते हैं, हनी भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं और फिर उसको चलाकर उसको फिर ब्लेंड कर लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ये स्वीटनर जो है अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए उसके बीच में। अब इस हेल्दी स्मूदी को, सैलेड स्मूदी या ग्रीन वेज स्मूदी को आप ग्लास में डालें, गार्निश करें,
किसी भी चीज़ से आप गार्निश कर सकते हैं, फ्रूट के स्लाइसेस डाल सकते हैं या पोमीग्रेनेट के सीड्स डाल सकते हैं इसमें। और आप पिए, बच्चों को दें, अपने हस्बैंड को दें या अपनी वाइफ को दें, तो तैयार है ये एक हेल्दी स्मूदी ड्रिंक। इस ड्रिंक में सभी न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स हैं, इसमें विटामिन्स हैं और हेल्दी फैट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन हम वैसे घी या ऑयल वगैरह नहीं खा सकते, कम खाना चाहिए हमें। और इसमें साल्ट भी कम है और शुगर भी कम है, आप कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए ये हेल्दी बनेगी और आपके बॉडी को इसके सभी पोषक तत्वों की ज़रूर पोषक तत्वों की जो कमी है बॉडी में होती है अक्सर, वो पूरी हो जाएगी इससे। तो आप पीजिए, आनंद लीजिए और अगली किसी और स्मूदी के लिए फिर तैयार रहिए, रेसिपी बनाने के लिए, देखने के लिए, अपनों को पिलाने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनका बहुत बहुत ख्याल रखें, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको भी हेल्दी चीज़ें खिलाएं ताकि उनका जीवन भी तंदुरुस्त रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।